आज इस वीडियोज में हम कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है पार्ट का मापन एवं मापन देखने वाले हैं। तो ये क्लास से जो फर्स्ट होगा, इसे क्लास जो फर्स्ट है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आज इस वीडियो में जो क्लास होगा वो सब मात्रक एवं मापन पर ही आधारित होगा। तो सबसे पहले इस क्लास को हम देहाती या एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। ये बहुत उत्पटांग चैप्टर होता है मात्रक एवं मापन, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मात्रक होता है और मापन होता है ये फिजिक्स में जरूरत पड़ता ही पड़ता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मात्रक की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, जैसे हम लोग बायोलॉजी में जीवो का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले ये तो पता होगा, केमिस्ट्री में पदार्थों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उनके बीच मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में क्या होता है कि जो हम लोग माप तौल ये सब करते हैं, तो नाप जो कहते हैं या माप कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये पूरा बेसिक तरीके से हम समझाएंगे, आप लोग थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को बस 2-3 मिनट इसके थोड़ा देख लीजिए, टेलर क्या होता है इसका, उसके बाद पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पहले 2-5 मिनट वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर समझिए कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मात्रक क्या होता है। अब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई 50 किलो को वस्तु है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम 50 किलो कोई भी वस्तु हो गया, चाहे चीनी हो गया, चाहे बोरा हो गया, हम बोरा मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं? बोरा। कोई भी बोरा हो, चाहे आलू का चीज, कुछ किसी कोई भी चीज़ का बोरा हो गया। अब देखिए, जो ये 50, ये बताइए ये क्या है, उसका मात्रक है, ये मात्रक है 50 किलो, और ये क्या है, उसका परिमाण है, ठीक है। ये सबको पता होगा कि इसका परिमाण है, ठीक है। अभी परिभाषा भी लिखा बताएंगे, आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी हम मान लीजिए कि 1 दर्जन केला लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 दर्जन केला लेते हैं, मान लीजिए 1 दर्जन केला लेते हैं, तो कितना केला होता है? 12 केला होता है, सबको पता है। तो ये जो एक ये है ना, ये उसका परिमाण है, परिमाण है, ठीक है। और ये दर्जन जो है उसका मात्रक है। तो यही इसको समझाने वाले थे कि मात्रक के मापन क्या होता है। जो मात्रक है इसको माप तौल करते हैं, इसमें वही मात्रक हो गया, ये मापन मात्रक हो गया। चैप्टर का बस ये मतलब बेसिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये मात्रक मापन की जरूरत क्यों पड़ी और ये कितने भागों में बांटा गया है, सब इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए कि सबसे पहले जो मात्रक के मापन की पद्धति अपनाई थी वो ब्रिटेन वालों ने अपनाई थी। देखिए बात समझिए, एक समझना 2 मिनट चीज है कि देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणाली पहले अपनाई जाती थी। मान लीजिए कोई ब्रिटेन वाले जो लंबाई को फुट में नापते थे, लंबाई को फुट में नापते थे ब्रिटेन वाले, और जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान मतलब किलो वाला जो चीज़ था, जो मतलब जोखने वाला चीज़ था, उसको पाउंड में नापते थे ब्रिटेन वाले देश वाले थे, और समय को सेकेंड में नापते थे। तो उन्होंने अपना पद्धति जो अपना लिया वो FPS पद्धति अपना लिया, मतलब उन्होंने FES पद्धति, इसको बोलते हैं FES पद्धति, जो नाप तौल करते हैं। तो ये किसने कराया था? ब्रिटेन वालों ने, ठीक है। ये ब्रिटेन वालों ने अपनाया था, मतलब ये नापते थे किसको, जो मतलब जो लंबाई थी उसको फुट में नापते थे। क्या इंडिया वालों को लंबाई सिर्फ फुट में नापते हैं? नहीं नापते हैं, तो वो ब्रिटेन वाले नापते थे फुट में। दूसरा बात यहाँ पर है कि जो फ्रेंच वाले थे, मतलब फ्रांस वाले थे, वो लंबाई को किस में नापते थे? लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, सेंटीमीटर में। और जो मतलब जो किलो वाला चीज़ था ना, किलो वाला चीज़, वो ग्राम में नापते थे। और जो समय वाला चीज़ था उसको सेकेंड में नापते थे। कौन से देश वाले, पता है कौन से देश वाले? फ्रांस वाले, जो उसको फ्रेंच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने उसको मीटरी पद्धति नाम दिया, मीटरी पद्धति नाम दिया, ठीक है। जिन्होंने फ्रांस वाले इसको नापते थे फिजिक्स में, मतलब कोई लंबाई था उसको सेंटीमीटर में नापते थे, और जो मतलब द्रव्यमान वाला चीज़ था उसको ग्राम में नापते थे, और जो सेकेंड समय वाला चीज़ था उसको सेकेंड में नापते थे। तो क्या हम लोग अपने इंडिया में कोई भी चीज़ ग्राम में नापते हैं? कोई 1000 ग्राम चीनी दीजिए, कहते हैं? नहीं ना कहते हैं। तो ये सब ब्रिटेन हुए, फ्रांस वाले। देखिए, ये पहले हम इसको निचोड़ बताते हैं, उसके बाद हम पूरा इसका थ्योरी बताएंगे, आप लोग टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। अब देखिए आगे जो, अब देखिए ये सब चीज़ तो होगा, बल्कि व्यापारियों के लिए दिक्कत होने लगा। जो व्यापारी थे, व्यवसाय करने वाले थे, उनको दिक्कत होने लगी, हम कौन से प्रणाली यूज करें, उन लोगों को दिक्कत होने लगा। तो उन्होंने MKS पद्धति को अपनाया, मतलब वो क्या किए ना, जो व्यापारी लोग थे वो लंबाई को मीटर में नापने लगे, और जो किलो मतलब जो जोखने वाला चीज़ था उसको किलो नापने लगे, और समय को सेकेंड में नापने लगे। ये किसको बोला गया? व्यवसाय पद्धति, व्यवसायी मतलब व्यवसायिक पद्धति बोला गया इसको, मतलब प्रणाली बोला गया, जिसे मीटरी, इसको मीट्रिक बोला गया, इसे मीटरी बोला गया, इसे मीट्रिक बोला गया, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, बल्कि अब बैठक हुई है पूरा देश में कि अलग अलग देश वाले अलग अलग प्रणाली उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? मान लीजिए जो अमेरिका का व्यक्ति है, मतलब अमेरिका क्वेश्चन है, क्या इंडिया लोग सॉल्व करेंगे?
तो वो मात्र प्रणाली में गलती होगी। तो वही फ्रांस में एक बैठक हुआ गया, देखिए फ्रांस में एक बैठक बुलाया गया, वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब जो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर बैठक बुलाया गया। सारे वैज्ञानिक जो आए थे, मतलब जो माप तोले वाले वैज्ञानिक थे, वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने मतलब निर्णय लिया कि सारे जो देश है मतलब उनमें एक ही प्रणाली यूज की जाएगी, वो है अंतर्राष्ट्रीय SI। इसको ही अपडेटेड वर्जन है, व्यवसाय पद्धति का ही अपडेटेड वर्जन है SI पद्धति। ये 1971 में बैठक हुआ था और वहीं पर इन्होंने मतलब ये दर्शा मतलब बताया कि जो सारे देश वाले हैं ना वो इस पद्धति को अपनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना होता है तो सारा मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कुछ उसका उत्तर अलग आएगा। मान लीजिए फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मान लीजिए कोई फ्रांस का व्यक्ति है, वो इंडिया का क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वो उसका आंसर कुछ और अलग आएगा, उसका आंसर कुछ अलग आएगा। इसी कारण से ये सब किया गया। अब समझिए एक बात है यहाँ पर कि इसको जब लाया गया तो वैज्ञानिक जब बैठे थे तो इन्होंने मतलब मूल मात्रा को चुना, मूल मात्रक कितने होते हैं, इन्होंने मूल मात्रक चुना कि कितने मूल मात्रक होना चाहिए जो सारे देश में यूज होना चाहिए। तो यही मात्र देखिए, तो यही मापन पद्धति हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना भी है। तो थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, बेसिक तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट लिख चुके हैं कि इसको किस में नापेंगे, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अब बचा हमारा मतलब SI यूनिट, जो SI यूनिट इसमें बता चुके बैठक हुई थी, खगोल वाले जो मतलब खगोल बोल रहे हैं, जो मापन वाले जो वैज्ञानिक थे उनका बैठक हुई थी, इसमें यह निर्धारित किया गया कि सारे देश वाले जो हो गया वो कौन किन मतलब मात्रक पर ध्यान देंगे ज़्यादा, और उसे सब मतलब सब देश वाले यूज करेंगे, मतलब उसको सब देश वाले यूज करेंगे, ठीक है। और मात्रक कौन कौन से, यहाँ पर 7 मूल मात्रक है। पहला तो जो ये 7 चीज़ को रखा गया और इसमें बताया गया कि देखिए आप कोई भी चीज़ खरीदिए उसमें पक्का है लंबाई होगा। आप मान लीजिए बिस्कुट ही खरीदिए चाहे ईटा खरीदिए, ईटा में लंबाई भी होगा, उसका द्रव्यमान भी होगा, और वहाँ से लाएंगे तो घर में समय भी कुछ लगेगा। धारा तो बात छोड़िए, उसमें तापमान भी होगा, तापमान भी हो सकता है। मान लीजिए छोड़िए लाइट खरीदिए, लाइट में तीव्रता ज्योति तीव्रता होता है कि नहीं, ये भी तो आपको दिक्कत होगा। ज्योति तीव्रता क्या होता है, जो ये प्रकाश ब्राइटनेस करते हैं ना वही ज्योति तीव्रता है, ब्राइटनेस घटाते बढ़ाते हैं वही ज्योति तीव्रता है। मस्त उतना समझिए, आगे हम पढ़ाएंगे तो उसको बेसिक तरीके से डिफाइन कर देंगे। ये पदार्थ की मात्रा हो गया। अब एक चीज़ समझने वाला इसमें ये है कि MKS की सेंटीमीटर की सब हो गया। अब एक चीज़ समझने वाला इसमें है कि इसको लंबाई किस में मात्रा क्या होता है, ये याद करना पड़ेगा। लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, याद करना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल लिख देते हैं, हम लिखेंगे साइड में, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताइए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और यहाँ पर तापमान का मात्रक केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, ठीक है। तो केल्विन जो होता है वो मतलब वैज्ञानिक लोग नापते हैं, फारेनहाइट जो डॉक्टर लोग सेल्सियस में तो हम लोग नापते हैं। और यहाँ पर ज्योति तीव्रता क्या हो, इसमें ज्योति तीव्रता क्या है बता चुके हैं, इसका मात्रा कैंडेला होता है। नया वर्ड है, नया शब्द है, इसको याद करना पड़ेगा। और पदार्थ की मात्रा को, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पदार्थ की मात्रा को मोल से मतलब निरूपित करते हैं। अब इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं क्योंकि हमको बीमा भी निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर स्पष्ट लिख चुके हैं कि मूल मात्रक में जो 7 मूल मात्रक हो गया, अभी पूरक मात्रक बताएंगे, आप संपूरक मात्रक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, इसमें एम लिखते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, kg में। देखिए छोटा छोटा वर्ड मतलब शॉर्टकट है। समय को मतलब नापते हैं सेकेंड में, इसको लिखेंगे। धारा को नापते हैं एम्पियर में, एम्पियर ऐसे लिखेंगे। ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, नया वर्ड है, दिक्कत होगा इसको याद करने वाला चीज़ है। तापमान को नापेंगे केल्विन में, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को नापेंगे मोल में, तो इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेम टू सेम मोल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मतलब मात्रक मोल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ने वाला क्या जरूरी है कि इसका तो लंबाई हो गया, अब इसे संकेत में, ये संकेत है, ये तो संकेत नहीं, इसका इकाई है, और इसको संकेत में कैसे लिखेंगे। अब इसका बीमा भी लिखना बहुत जरूरी है, वहाँ बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।